ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सो द ट्रुथ लाइज़ विद इन में। और आज हम बात कर रहे हैं 7 मई के ईश्वरी वरदान की। आप पीछे देख पा रहे हैं बहुत सुंदर फूल है और साथ में यहाँ पे देखें कंचनजंगा तो का थोड़ा सा आपका ढका हुआ है बादलों से, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी पीक दिखाई देगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे पीक दिखाई देगी आपको। तो परमपिता परमात्मा आज कहते क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने अंदर औरों के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखें, अपनी इंटेंशंस राइट रखें, अपनी वृत्ति मतलब एटीट्यूड ठीक रखें, ताकि हम अंदर बाहर लोगों को एक जैसे दिखाई पड़े और तब जाकर के वो हमें प्यार करें। अंदर से फ़ोन बिगड़ा हुआ है, बाहर से सब अच्छा दिखता है, क्या आप उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे? तो अंदर से आप कुछ हैं बाहर से कुछ और हैं, तो क्या आपको कोई पसंद करेगा नहीं करेगा? सोचिएगा जरा इस चीज़ के बारे में गहराई से। तो परमात्मा कहते हैं आज शुभ भावना, किसी के प्रति शुभ भावना रखनी, यानी कि कर्ज करना, उसको बद्दुआएं देना, शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना कि उसका अच्छा उसका भला हो, हर चीज़ में उसको सुख मिले, परमात्मा से वो आत्मा जुड़े, परमात्मा को पहचाने, परमात्मा से सुख शांति ले, इतनी अच्छी भावना श्रेष्ठ आपकी भावना है द्वारा सर्व के प्रति सबके सर्व के प्रिय बन विजयी माला में पिरोए जाने वाले विजयी भव। विस्तार में चलते हैं। कोई किसी भी भाव से बोले आपके सामने आज पूरे दिन में, आपके बॉस हों, चाहे आपके माता पिता हों, आपका भाई हो, आपकी पत्नी हो, आपका हस्बैंड हो, आपसे किसी भी प्रकार से कोई बात करे वा चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। क्यों? क्योंकि हम किसके बच्चे हैं। सबसे श्रेष्ठ संकल्प यह है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इस स्टेज पे एक्टिंग करने आए हैं, परमात्मा मुझे देख रहे हैं। किसी ने चिल्ला के बोला, मैंने भी चिल्ला के बोला, परमात्मा की नज़र में मैं गिर गया, उसका भला हो, वो जो भी करे करे, लेकिन उसका भला हो, उसका कल्याण हो, मैं परमात्मा की नज़र में गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, मेरा प्रेम भंग हो जाएगा, मैं अपने आप को ही ब्लॉक कर दूंगा परमात्मा से शांति पाने के लिए अगर ऐसे कर्म करूंगा। फिर परमात्मा कहते हैं इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोए पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है, सर्व से प्यार पाने का साधन ही है संबंध, किसी संबंध में आए, किसी के संपर्क में आए, में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से नफरत नहीं। अगर ये भावना होगी तो हम गलत संकल्प सोचेंगे, गलत बोल निकलेंगे और हमारा संबंध कभी अच्छा नहीं होगा और उनसे प्यार नहीं मिलेगा, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा, सुख देना ही सुख लेना है। देना कैसे है? आपको बस इतना करना है, कोई गिफ्ट नहीं खरीदना किसी लिए बहुत बड़े बड़े, कोई बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं आपको किसी के लिए थ्रो करनी है, आपको बस अच्छे सोच रखनी है उसके प्रति, उसकी बुराइयां ना देखकर के उसकी अच्छाइयां देखें, उसके प्रति श्रेष्ठ संकल्प रखें, परमात्मा की नज़र में आए, ऊंचा बने, तो परमात्मा आपको सुख शांति दे रहे तो हैं, वो आप खींच पाएंगे, नहीं तो आप ही ब्लॉक कर देते हैं किसी के बारे में गलत सोच करके। फिर परमात्मा कहते हैं, पिता कहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा, लेगा मतलब लेना नहीं है, मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ये भी सेवा है, तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। आप माइंड से भी किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, आप मुख से अच्छा बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, मुख से मीठा मीठा बोला औरों के बारे में, लेकिन अंदर से आपने घृणा रखी हुई है, तो आप अंदर से कुछ बाहर से कुछ होंगे तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। आप अंदर से कुछ और हैं, सोच रहे कुछ और हैं, लेकिन मुख से बहुत प्यार प्यार से बात कर रहे हैं, ये तो डुअलिटी हो गई, और जिसके अंदर डुअलिटी होती है वो सत्य से जुड़ नहीं सकता और उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है, वो कभी रात को शांति से सो नहीं सकता, उसके अंदर हमेशा दुविधा रहेगी। फिर परमात्मा कहते हैं ये भी सेवा है, तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है, तो ऐसी सेवा करने वाले विजयमाला के मणके बन जाते हैं। विजयमाला मतलब परमात्मा की नज़र में आप जीत गए, चाहे सारा संसार धन संपत्ति से आगे बढ़ गया हो, लेकिन उनके अंदर मन के अंदर ईर्ष्या घृणा है तो वो परमात्मा की नज़र में गिर गए। लेकिन आपके पास धन संपत्ति ना हो, लेकिन आपकी श्रेष्ठ भावना है श्रेष्ठ कामना के प्रति, तो आप परमात्मा की नज़र में सबसे ऊँचे और सबसे सुखी सबसे शांत आत्मा आप ही हैं पूरी दुनिया में, ये गारंटी है। पर ये बनना कैसे है? इसके लिए आप ब्रह्म कुमारी में आकर के 7 डे का कोर्स करें, परमात्मा को पहचाने, उनसे रिलेशनशिप बनाएं। इसके साथ ओम शांति।